खुश आमदीद। SKM 91 न्यूज पर आप तमाम व्यूवर्स का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। जी मेरा नाम फिदा अली है, ये मेरी दुकान शॉप है गुलजार हाउस पे, चौधरी ब्रदर्स ज्वेलर्स गुलजार हाउस पे ये मेरी शॉप। ले हम लोग की ओपनिंग 8 महीने पहले 10th of March के दिन जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमारी शॉप की इनाग्रेशन करे थे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा इनाग्रेशन रहा। ये शॉप लेने से 2 साल पहले ये शॉप बंद थी और हम लोग जब ये शॉप लिए तो सामने जो हॉकर्स जो है पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिए, दुकान के सामने की पूरी जगह जो है ना हाउस बोल के हमारे ये सामने बैठे हुए हैं पटवेकर घटवई वाले, उन्होंने हमको ये शॉप दिलाए, उन्होंने कमीशन लेके उनकी जगह पहले कोने में उधर आगे थी बाजू में राइट साइड में छोटी सी, अब उन्होंने सेंटर में हमारी दुकान के सेंटर में लेके उनके भतीजे को भी उनकी एक बंडी बड़ी बना के दे दिए। अब खैर वो और यहाँ पहले से 8 से 10 बंडियाँ पहले से मौजूद है। हमको हमारी दुकान के और कस्टमर आने के लिए रास्ता बिल्कुल ही पूरा पैक करके रखे हुए हैं और कहीं से रास्ता देने के लिए, और ये हम जब भी शुरू से आके यही बोले कि भाई हमारे को रास्ता दो, हमारे ग्राहक कस्टमर आने का रास्ता होना हमारे को, तो ये लोग खाली थोड़ी देर के लिए सुनते फिर वैसी वही अच्छा ठीक है हम इतना एडजस्ट कर लिए कोऑपरेट करो भाई बोल के हम बोले। अब इतना होने के बाद 8-9 बंडी होने के बावजूद एक राउड 13 अक्टूबर के दिन एक रोडी शीटर जैसे कुछ भाई साहब आते हैं यार के बोलते हमारे पास हमारी एक सामने की एक जगह उनकी पहले से थी, हम बोले भाई ये पहले से इतने बंडियाँ हैं अब आप कहाँ लगाते, तो उसके बाद उन्होंने बोले नहीं मेरी बंडी थी बोल के या जगह थी। नेक्स्ट डे जो 14 अक्टूबर के दिन उन्होंने ला के एक चप्पल का स्टैंड लगा दिए थे जो कि मैं बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। सबसे पहले वो चप्पल का स्टैंड मैं PS में कंप्लेन दिया 14 अक्टूबर के दिन, 100 डायल करा नंबर, 100 डायल करके कंप्लेन दिया, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट मेरे को, ये मेरा आज का पुलिस कंप्लेन है, ये मैं कंप्लेन दिया, ये मेरे पास एक्नॉलेजमेंट है कि ये PS में कंप्लेन दिया कि ये मेरे को बंडियों वालों से प्रॉब्लम है, मेरी शॉप पे जो है ना आके लोग गैर ज़रूरी रोज़ का जो है ना इनको बोलना पड़ रहा करना पड़ रहा, फिर उन्होंने जहाँ के वहाँ जैसे है वैसे ही फिर इन मेरा यही मुतालबा है, मेरा इनसे आपसी दुश्मनी ना कोई है ना कुछ थी, मेरे को गरीब के पेट पे लात बिल्कुल भी नहीं मारने का है और उनको ये मुतालबा है कि उनके बंडियाँ बिल्कुल छोटे छोटे कर लो, गौस अपनी जगह चले जाए, अपने बंडियाँ छोटे छोटे कर लो और मेरी दुकान पे मेरे कस्टमर के आने के लिए रास्ता प्रोवाइड करिए। और मेरे को वो जो चप्पल का स्टैंड जिसका भी है वो किसका है, गौस है, अरशद है, जाहिद है, शजी है या फिर यूसुफ है, जिस किसी का भी वो स्टैंड है वो बराए करम वो स्टैंड हटाइए, उसके लिए कोई यहाँ पे जगह नहीं है, आप आके इलीगल कब्जा करेंगे। मेरे पास उसके लाइव वीडियोस है, मेरे पास कैमरे में लाइव वीडियोस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो भी वीडियोस, क्योंकि आके जिस दिन 13 अक्टूबर के दिन वो लोग बहस करे थे, आप बताए थे, बहस भी नहीं आप बताए थे कि हम लाके ऐसा करेंगे, नेक्स्ट डे वो लोग लाके चप्पल का स्टैंड लगा ही दिए, इतना बोलने के बावजूद भी जो है ना वो लोग अपना हरकत से बाज नहीं आ रहे। लेकिन अब उसके बाद बॉस साहब क्या करे, बीच में एक तुम्हारे जैसा कर मैं रोए जैसा करते, उन्होंने लाके हथौड़ी लाके एक स्टैंड तोड़ दे के निकाल दिए, रातों रात फिर वापस स्टैंड आके लग गया, उसका भी मेरे पास क्लियर एविडेंस है, वीडियो है। अब उसके बाद अब ये मसला ये है कि मेरे आप हम ट्रैफिक पुलिस वालों से, चारमीनार सिटी पुलिस वालों से, लॉ एंड ऑर्डर से, जोनल कमिश्नर DHMC से, सारे अपने जो ना लोगों से, डिपार्टमेंटों से और हमारे लीडर पॉलिटिकल जितने लीडर्स हैं अकबरुद्दीन साहब, असदुद्दीन साहब, अकबर साहब और हमारे कॉरपोरेटर्स पूरे, और इलेक्शन का टाइम है थोड़ा सा बिजी है लेकिन प्लीज़ हमारे लिए वक्त निकाल के हमारे हमको इसमें मदद करिए, क्योंकि गुलजार हाउस इतना अच्छा प्यारा मॉन्यूमेंट बनाए हैं, पूरा अभी रेनोवेट हुआ, इतना खूबसूरत दिख रहा, उसकी खूबसूरती बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले भी अपनी तरफ से इकदाम बराबर कर रहे हैं,
और लेकिन उसके बावजूद जो है ना ट्रैफिक पुलिस वालों को भी काफ़ी मुश्किलें हो रही टूरिस्ट को संबैलेंस करने के लिए, सारी चीज़ें करने के लिए। हमारा मुतालबा ये है कि ये बंडी वाले जो है ना इनको बिल्कुल एक बाउंड्रीज बना के इनकी एक लेवल फिक्स करिए। इनको एक एक बंडी थी, हमारे इनके तीन तीन बंडियाँ हैं, हमारी शॉप एक ही है। मैं इतने लाखों रुपए लगा के दुकान लेके बैठा हूँ साहब, मेरा ग्राहक आने का रास्ता नहीं है, मेरे पास कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा। ऐसा हो गया कि मैं दुकान लेने से अच्छा एक 10 बंडियाँ ले लेना अच्छा था, इतना मेरे को सबसे ज़्यादा फील हो रहा। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे को जो है ना, मेरे पास जितना भी है मेरे, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, सिटी पुलिस से भी, ट्रैफिक पुलिस से भी, जोनल कमिश्नर GHMC से भी, और जितने भी डिपार्टमेंट्स इसमें फॉलो होते सबसे मेरी ख़ास गुजारिश है, प्लीज़ हेल्प मी एंड सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम। एक्चुअली वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम द डे वन, तो इसीलिए आप लोग ज़रा मेहरबानी से जितने भी डिपार्टमेंट्स है कोऑपरेट करके हमारी हेल्प करिए और इनको इनके बाउंड्रीज फिक्स करके हेल्प करके इनके बाउंड्रीज फिक्स कर दीजिए, ताकि इन्हों एक टोकरा भी, आज क्या करते हैं इन्हों एक टोकरा बंडी तो लगा रहे हैं उसके आगे एक टोकरा बड़ा सा चुड़ियों का टोकरा रख दे रहे हैं, साइड में रख दे रहे हैं। उधर पुलिस वाले आए कवर रिकवरी को तो अल्लू से पीछे ला ले रहे हैं, वो ये दीवाने एक्टिंग नहीं करने का है, ये बिल्कुल ही बस एक बंडी अलॉट करिए और वो भी छोटी सी मुख्तसर सी, ये साइडों में टोकरे लगाना करना ये बंद करिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरा नाम मंसूर अली है, मैं शॉप का ओनर हूँ और मैं जब से 8 महीने हुआ ये करीबन शॉप लेके, मेरा मुतालबा ये है कि शॉप के सामने जितने भी हॉकर्स हैं, तकरीबन 8 से 10 हॉकर्स मेरी जगह पे है, ऐसा दिख रहा कि वो लोग वो ले लेना अच्छा था मेरे को और शॉप लिए तो मेरे पास कारोबार आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। मुझे मुतालबा ये है कि GHMC और सिटी पुलिस से, ट्रैफिक पुलिस से मुतालबा, और मेरे अकबर साहब और असद साहब जो अभी इस वक्त इलेक्शन में बिजी है, मुतालबा ये है कि जल्द से जल्द मेरे पास एक्शन लीजिए, मेरे को हॉकर्स के लिए मेरे को जगह दीजिए, हॉकर्स थोड़ा छोटे करने के लिए बोलिए। ये लोग जो है मैं बोल बोल के थक गया, सुन रहे नहीं और पूरी दुकान छुपा दिए, मेरी पूरी दुकान छुप गई और ऐसा दिख रहा मेरे पास कारोबार नहीं हो रहा, पूरा उनके पास कारोबार हो रहा, पूरे लोग जमा होके जो है पूरे दुकान पे जो है कब्जा कर लेके, ऐसा दिख रहा मेरे को दुकान लेना नहीं लेना, हॉकर्स ले लेना अच्छा था बोल के ऐसा फील हो रहा। इतने लाखों करोड़ों रुपये लगा के बंडी वाले जो है मज़े कर रहे हैं, और ये मेरा मुतालबा ये है कि इतना खूबसूरत गुलदार हाउस बनाए, उसकी शान और शौकत के सामने पूरे हॉकर्स आके कब्जा कर लिए, टूरिस्ट को गुलदार हाउस ही नहीं दिख रहा। चार मीनार को जाएंगे तो पूरे हॉकर्स है, लोग जाने के लिए कम से कम भाई वॉक भी गए तो 5 से 10 मिनट खाली जो है 100 मीटर की दूरी पे लग जा रहे हैं। आप ज़रा मुतालबा ये है कि जितना भी हो सके जल्द से जल्द कार्रवाई करिए, मेरे को जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। सिटी कमिश्नर साहब से और ट्रैफिक कमिश्नर साहब से मेरा मुतालबा है, मेरी बहुत पे गौर व फिक्र करके जल्द से जल्द आप ये मसले को हल कर दिए। अल्लाह हाफिज़। भाई के भतीजे, मेरे भाई अभी इस वक्त मौजूद नहीं है, उन्होंने कुछ इमरजेंसी काम से गए हुए हैं इंशाल्लाह। और ये जो भी है इन्वॉल्व इसे स्टैंड के, जो इलीगल स्टैंड जो भी लगा है, जिस किसी का भी स्टैंड है, ये स्टैंड आके या तो वो खुद से खोल ले या फिर ये जो ना डिपार्टमेंट वाले जो मेरे को मदद करके ये मेरा काम करवा के देंगे। मेहरबानी से जजाकल्ला, थैंक यू फॉर योर हेल्प एंड एवरीथिंग, आई सल्यूट यू सर, थैंक यू। रॉयल पैलेस एकदम आपके करीब, घर की हर छोटी बड़ी तकरीब के लिए मुनासिब शादी खाना। रॉयल पैलेस 100 दावतियों से लेकर 1000 दावतियों के लिए, बर्थडे फंक्शन हो या साजक शादी वलीमा, जुमारी या फिर कोई गेट टुगेदर, आपकी हर खुशी के मौके पर 4 चांद लगाए रॉयल। जी हाँ, रॉयल अंदाज में अपने दावतियों का इस्तकबाल कीजिए, पुर इखलाक सर्विस, नए फर्नीचर से आरास्ता, नए क्रॉकरी के साथ। इसके अलावा रॉयल में वसी पार्किंग दस्तियाब, 2 लिफ्ट यानी मर्दाना और जनाना के लिए अलहदा अलहदा लिफ्ट, और पकवान के लिए किचन की सहूलत। एक बार तशरीफ लाएं रॉयल पैलेस बैंक्वेट हॉल, काला पत्थर ऑपोजिट गोल्ड जिम, बिसाइड फातिमा हॉस्पिटल हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रॉयल फंक्शन हॉल के इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए 7569979478। रॉयल पैलेस।